अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एज ऑफ रिक्रिएशन चल रहा है, ठीक है। उसके रिलेटेड हमने एक एग्जांपल भी देखी थी, उसकी डेफिनेशंस भी देखी थी, उसका फार्मूला भी देखा था। तो आइए आज हम एक उसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है कि हमने फाइंड द एज ऑफ रिक्रिएशन, क्या हमारे पास गिवन है इक्वेशन एक्स ओवर ए कॉस थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई प्लस वाई ओवर बी, ये हमारे पास क्या गिवन है साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जी ओवर सी गिवन है, ये हमारे पास किसके बराबर है कॉज ऑफ फाई इज इक्वल टू वन, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारे पास ये इक्वेशंस है ना, इक्वेशंस हमने ये भी हमारे पास जो दी हुई इक्वेशंस है इसको हमने पहले सबसे पहले माने ये जो है ना नेगेटिव है इसको ख़त्म करके इधर लेके आना है, इसको हमने वन के इक्वल करना है। कैसे करते हैं एक्स ओवर ए कॉज ऑफ फाई साइन ऑफ फाई प्लस वाई ओवर बी साइन ऑफ फाई कॉज ऑफ फाई प्लस जी ओवर सी कॉज ऑफ फाई माइनस वन, ये इधर पॉजिटिव का है ना तो इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा, तो इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट निकालने के बाद हमने इस इक्वेशंस का लेना है डेरिवेटिव, क्या लेना है डेरिवेटिव, किसके हिसाब से लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे, किसके हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वेयर थीटा एंड फाई इज़ अ इंडिपेंडेंट पैरामीटर यूज हुए, डेरिवेटिव लेते हैं, लिख लेते हैं टेकिंग विद रिस्पेक्ट टू, ये विद रिस्पेक्ट टू होता है थीटा ले लें, फंक्शन हमारे पास गिवन है उसका थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ये देखिए इधर से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा कॉस का डेरिवेटिव ले रहे हैं थीटा के हिसाब से माइनस एक्स ओवर ए, ये साइन थीटा हो जाएगा साथ भी साइन फाई भी आ जाएगा क्योंकि अभी थीटा के हिसाब से ले रहे हैं प्लस वाई ओवर बी, ये हमारे पास कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, ये हमारे पास कॉस ऑफ फाई आ जाएगा, ये कॉस है ये फाई ख़त्म हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, अगला सारा ही फंक्शन ज़ीरो हो गया। इसको इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दिए, ये हमारे पास इक्वेशन टू का हो गया। हम इसको इक्वेशन को लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं माइनस एक्स ओवर ए साइन थीटा साइन फाई प्लस वाई ओवर बी कॉस थीटा कॉस फाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये देखें कि इधर ये चीज़ नेगेटिव है उधर जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, कैसे लिखते हैं एक्स ओवर ए साइन थीटा साइन फाई इज इक्वल टू वाई ओवर बी कॉस थीटा कॉस ऑफ फाई, ये दोनों आपस में हो गए हैं इक्वल, ठीक है। अब देखें यहाँ पे देखें कि दोनों आपस में हो गए हैं इक्वल, तो ये हमारे पास साइन ऑफ फाई आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका हमने डेरिवेटिव नहीं लिया था, तो ये साइन ऑफ फाई ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, एक्स ओवर ए बच गया साइन ऑफ थीटा वाई इज इक्वल टू बी कॉज ऑफ थीटा, ये फाई वाले आपस में हो गए कैंसिल। यहाँ से ना मैं अगर इसको लिख लेते हैं, ये तो देखें ये साइन ये कॉज इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, ये देखें ए वाई ए हो जाएगा एक्स बी हो जाएगा, कैसे ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी ये देखें ये हमारे पास ये टेन थीटा बनेगा, क्या बनेगा टेन थीटा
यहाँ तक ये हमने कर लिया जी, ये सिंपल इसको सिंपलीफिकेशन। ठीक है, बाकी जो हमारा टॉपिक है आज हमने जो पढ़ा है वो आपके सामने है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।